नमस्कार, ओडिया विद्यालय रे आपनकु स्वागत। जदि आमे भारतर इतिहास कथा कथा हबा, ए पर्यंत भारत को कौनसी भावरे मुस्लिम देश एते शत्रुता भावरे देखु नथिले, वर्तमान जेते शत्रुता भावरे देखुछन्ति। निश्चित भावरे आपनको मनरे ये क्वेश्चन आसुथिबो कि कोन पई एक्चुअली समस्त मुस्लिम देश भारत को एते शत्रुता देखुछन्ति। जदि किछि दिन पूर्व कथा कहिबे ना, जेतेले सुषमा स्वराज भारत रे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे, विदेश मंत्री थे, से एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जोटा कि आम कहीपर मुसलिम देश मानक गोठ, तो से भारत गोटे चीफ गेस्ट हो जाता। बट वर्तमान टाइम समस्ते देश, समस्ते मुसलिम देश भारत को कहते कि भारत जण जण करी क्षमा मागू, तेब आम भारत को क्षमा देवा, नारत को बिलकुल क्षमा देवा ना। कथा उठू कौन एक्चुअली भारत एमती गुरुचंडा भूल हो जाए, जहाँफल कि भारत समस्त को भूल मागिबा दरकार, बुझापाई चेष्टा करिबा, डिटेल्स जानिबा। आपण देखिपे NDTV आर्टिकल सस्पेंडेड BJP लीडर आलिक्स डेथ थ्रेट ओवर द प्रॉफिट रिमार्क्स फाइल द केस। सिंपल से कथा, किसी दिन पूर्व गोटे एक्चुअली TV डिबेट शो होता। से डिबेट शो जो नूपुर शर्मा थे, जे कि पूर्वर थे BJP आम कहीपर स्पोक्स पर्सन, एवं तो BJP बाहर कर दिखाई, BJP स्पोक्स पर्सन थे, प्लस मुस्लिम लीडर थे, प्लस अलग साधु संत ग्रुप थे, जो थी कि बाबरी मस्जिद कथा पड़ा, राम जन्मभूमि कथा पड़ा, अयोध्या कथा पड़ा, ये सब उपरे गोटे डिस्कसन चलता। तो से डिस्कसन जो नूपुर शर्मा जो प्रॉफेट मोहम्मद अच्छा कि मुसलिम मान जो भगवान अच्छा विषय किसी कही जोटा कि ठीक लगलानी तक, तो से एक्चुअली आम कहीपर भारत को सेने गोटे टाइप धमक दौरान धमक पुणी एमती सेमती नुहे। आम कहीपर पाकिस्तान तो प्रथम जोड़ी जाइला कि हाँ एमती कथा को बिल्कुल निंदा करुँ, अगेन्स्ट स्ट्रंग आक्शन नि जाऊ। तो एक्चुअली कतर आसिक पहुँच जाइला। एक्चुअली देखो कतर भारत जी रिलेसन देखा ना, बर्तमान भी आम भाइस प्रेसीडेट जो वेंकैया नायडू अच्छा सी बर्तमान कतर भिजिट्रे जा, बट तथापि आम कहीपर कतर कहला कि भारत स्ट्रिक्टली समस्त सामने कि पब्लिकली आपोलाइज करूँ कि क्षमा मागू कि ये सब जिनस भूल होतापर जी आम कह ईरान कथा। एक्जाक्टली आम ईरान सहित रिलेसन भल, ईरान को एक्चुअली आम बहुत जिनस जोगाऊ फ्री रे भी बहुत जिनस दौर भी ईरान एक्चुअली ये धर्म कथा जेहेतु, तो एथिरे भी ईरान एक्चुअली बहुत स्ट्रंगली भारत को कंडेम करा कर कि जो लोक एभली भाव मंतव्य एक्चुअली कड़ा से कड़ा सजा दि जाऊ। यापर आम कहीपर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जोटा कि 57 देश समूह अच्छी गोटे, तो सेने वर्तमान ये जिनस थ्रेटन करुँच धमक दौरान भारत को, जदि भारत स्ट्रंग आक्शन से पर्सन अगेंस्ट न निए कि नूपुर शर्मा अगेंस्ट न निए, ताल आम यूनाइटेड नेशन जीव आ यूनाइटेड नेशन को ये जिनस अपिल करू भारत अगेंस्ट बहुत बड़ से बड़ दंड दि जाऊ। भारत करुच्ची कौन एक शुणिकी निश्चित भाव में भारत आम कहीपर ये जिनस विश्व सामने रखी कि UIC सामने रखी कि एक्चुअली जी भी पर्सन कही कथा को लेकिन प्रॉफेट मोहम्मद को लेकिन आम से बड़ दुखित। सेकेंड कथा जो अलग देश मैंने कहूँ भारत पब्लिकली कहु सरी बोली, भारतर सरकारी लोक कौन ये जिनस कही ना, पॉलिटिकल मोटिवेटेड लोक कही जी कि आम देश सहित कौन से कथा माइंड रखा जाए से एक्चुअली पार्टी तांको बाहर करा जाए, तेणु तांको कथाटा इम्पोर्टेंट नुहे। तांको पाई जे भारत एक्चुअली सरी मागिब पूरा दुनिया सामने जेटा कि UIC कहूँ से जिनस ठीक नुहे, बट निश्चित भाव में जथा पसिबुल जेते कि संभव हम आम अगेंस्ट कार्यानुष्ठान नहींचु आ पूर्वर जमी एमती के हम से ध्यान देचु। बट यापर भी आम कहीपर मुसलिम देश जो अच्छा से कहते भारत में मुसलमान मैंने अच्छा सेफ नुहति, सिक्योर नुहति, तेणु से अधिक सिक्यूरीटी दरकार। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन बहुत बड़ से बड़ कठोर कदम उठेबा दरकार भारत अगेंस्ट, जदि भारत सरी न कहिबो पब्लिकली। निश्चित भाव में आपणकर मतामत जानिबा चाहिबी कि भारत को वर्तमान सिचुएशन कौन करिबा दरकार। चैनल जदि भल लगे, इनफर्मेशन भल लगे, चैनल को लाइक करूँ, सब्सक्राइब करूँ। रखुची, नमस्कार।